तो हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। आपके लग्न कुंडली के विभिन्न भावों में जब ये युति बनेगी तो आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसको हम ग्रहण दोष भी बोलते हैं। और अगर ये युति 11वें भाव में है तो एक समय आप धनवान अवश्य बने होंगे अपनी लाइफ में अचानक से। चाहे तो आपने लॉटरी जीती होगी, चाहे आपने शेयर मार्केट में कोई क्विकली इनकम करी होगी, और एक बार आपने बहुत बड़ा लॉस भी किया होगा। इसके साथ साथ ये 11वां भाव है। 11वां भाव आपके नेटवर्क सर्कल को दिखाता है। नेटवर्क सर्कल को दिखाने की वजह से चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्लेनेट है। केयरिंग प्लेनेट होने और राहु इनके साथ होने की वजह से आपका कोई बहुत ही खास दोस्त जिसने आपको धोखा दिया होगा। इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि चंद्रमा आपके कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं। उस भाव से संबंधित किसी ना किसी रिश्ते ने आपको जीवन में धोखा दिया होगा, या तो दोस्ती में दिया होगा या धन संबंधी मामलों में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने उस हाउस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करा होगा जिसमें आपने लॉस करा हो। इसके साथ साथ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे धन कमाने को लेकर या नेम फेम अर्जित करने को लेकर। अब यहाँ पे आपको राहु को देखना पड़ेगा, राहु यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप समझ लो जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ राहु है उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डाल सकेगा। और चंद्रमा यहाँ पर अगर ख़राब स्थिति में है, यानी अगर वो राशि के हिसाब से शत्रु राशि में है, नीच का है, तो यहाँ पर आप गलत तरीके से किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जाएंगे और नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन जब आप कोई भी काम गलत तरीके से करेंगे तब आपको उसका एहसास बिल्कुल राहु होने नहीं देंगे। इसके अलावा ऐसे जातक कुछ गलत तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं धन या संपत्ति अर्जित करने के लिए। इसके अलावा आपके अपने भाई बहनों, आपके जो माताजी हैं उनके साथ भी आपके रिलेशंस ठीक नहीं रहे हों। इसके अलावा ये हो सकता है कि जातक कोई ऐसे काम से पैसा कमाता है जहाँ पर वो कोई जल से संबंधित काम कर रहा है, या उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली संबंध जो है वो जल से है। ऐसे जातकों को अक्सर विदेश से भी इनकम हो सकती है और इनके पास इनकम के 2 से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जातक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालची बन जाता है। वो लालच में आकर अपना पहले जो पैसा उसके पास था, उसकी जो सेविंग थी, उसको भी वो डुबो देता है। ऐसे जातक अक्सर लॉटरी या जो क्रिकेट वगैरह में जो सट्टा चलता है वो, या ऑनलाइन जितने भी जो सट्टे चलते हैं वो, या फिर हो सकता है शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग वगैरह से जो इनकम होती है उसकी तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होंगे। ये लोग किसी भी प्रकार की ऐसी ट्रेडिंग जो अलाउ नहीं है, या धन कमाने को लेकर कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जिसको लेकर रूल काफ़ी कड़े हैं, उसमें ये हमेशा इंटरेस्टेड होंगे। इसके अलावा इनका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है। इनको अपनी काबिलियत की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से, या इनको इनकी क्षमताओं की वजह से काफ़ी नेम फेम मिल सकता है। इसके साथ साथ जातक की निर्णय क्षमता भी इस कंजक्शन से बहुत हद तक प्रभावित होती है। तो ऐसे जातक किसी भी काम में, चाहे धन को लेकर है, चाहे संपत्ति को लेकर है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर है, बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे और इसकी वजह से ये काफ़ी बार नुकसान करेंगे अपना। तो कोई भी आपका रिश्ता है, चाहे आपके माताजी के साथ, चाहे आपके किसी फ्रेंड के साथ, या आपके जीवन साथी के साथ, वहाँ पर आपको अपने एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखनी होंगी। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा जब भी राहु के साथ अगर 11वें भाव में स्थित होंगे तो 11वां भाव हमारी खुद की इच्छाओं या मनोकामनाओं का है ऑलरेडी। ऐसे में हमारी इन मनोकामनाएँ या भावनाएँ और ज़्यादा राहु बढ़ाने का काम करता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है किसी भी रिश्ते में या धन संपत्ति को लेकर, वो कई गुना बढ़ जाएंगे ऐसे में, और उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी काम नहीं कर रहे होंगे। आपका जो काम है वो उस स्तर से कम हो सकता है जिस स्तर तक आप धन कमाने या कोई भी वस्तु प्राप्त करने को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होगा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रहेंगी, चाहे वो पर्टिकुलर किसी भी काम को लेकर हों या जीवन में किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को लेकर हों। लेकिन फिर भी ऐसे जातक जो हैं वो हमेशा एक्सपेक्टेशंस हाई ही रखेंगे, बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे और कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। अब अगर आपके लिए राहु की दशा या चंद्रमा की महादशा हो तो ये समय आपको और भी ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। इसके अलावा आपको खाने पीने में या पैसों की या ट्रेडिंग वगैरह की ऐसी कोई लत भी लग सकती है जो आपको काफ़ी परेशान करेगी, और आपके जो हैबिट्स हैं या बोल सकते हैं आपकी जो रुचियां हैं वो कुछ ऐसी रुचियां हो सकती हैं या ऐसी हैबिट हो सकती हैं जो काफ़ी गलत हैबिट्स हैं, जैसे कि आपको ड्रिंक वगैरह करना, स्मोकिंग वगैरह करना, या पैसा बहुत पानी की तरह बहाना,
या और भी बहुत सारी ऐसी आदतें आपकी हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपके जो लव लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही होगी, शुरुआत में आपकी एजुकेशन काफ़ी डिस्टर्ब रही होगी। इसके साथ साथ आपके अपने संतान के साथ भी ऐसा ही होगा कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपके संतान से होंगी। इवन आपको अपने जीवन साथी से या अपने लवर से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से काफ़ी बार परेशान होना पड़ेगा और नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब यहाँ संभावना ये है कि आपके चंद्रमा कुंडली में जिस भी भाव के स्वामी हैं उस भाव को लेके जीवन में हमेशा आपके एक्सपेक्टेशंस कभी भी कम नहीं होंगे और काफ़ी हाई रहेंगे। इस वजह से आपके लिए पर्टिकुलर कोई भी काम करना आसान नहीं होगा, कोई भी डिसीज़न लेना आसान नहीं होगा। आपको जस्ट अपनी जो काबिलियत है, अपना जो आपका टैलेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कितना ज़्यादा इम्पेक्ट अपने सोच से, अपने निर्णय लेने के तरीके से किसी भी काम पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरों को अपनी जो इमेज है उससे कैसे प्रभावित कर सकते हैं, अपने टैलेंट से कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये कंजक्शन में आपको ये सब सोचना चाहिए। लेकिन हमेशा आप अगर शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। अब यहाँ हम अगर दृष्टियों की बात करें तो राहु आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से राहु आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी मजबूत करेंगे, जिससे आपको लोगों के साथ घुलने मिलने या लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने में आसानी रहेगी। तो आप हमेशा ज़्यादातर समय लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करेंगे। आपका नेटवर्क सर्कल काफ़ी लंबा या काफ़ी बड़ा होता जाएगा, जिससे बहुत लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और जब भी आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे या आप अपने प्रॉमिस पे अगर खरे नहीं उतर रहे तो ये आपको काफ़ी परेशान करने वाली स्थिति होगी। और इसी स्थिति को लेकर आप कोई ना कोई ऐसा गलत डिसीजन या गलत निर्णय अवश्य करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद नुकसान उठा लेंगे। इसके अलावा राहु कम्युनिकेशन को मजबूत करने के साथ साथ आपको काफ़ी सारी ट्रेवल देगा, इवन विदेश यात्रा भी। लेकिन अगर राहु की दशा आती है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना कि आप विदेश यात्रा करेंगे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विदेश से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इनकम की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास इनकम सोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास मल्टीपल रास्ते होंगे धन कमाने के लिए। लेकिन वो रास्ते हो सकता है लंबे समय तक आपका साथ ना दें। आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं लाइफ में जहाँ पर आपको सडनली पैसा कमाने का मौका हो, लेकिन वहाँ पर आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज़्यादा हो। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों का ही सम्मिलित रूप से दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहता है। ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पेक्ट करेगा। इसकी वजह से आपकी खुद की जो रचनात्मक क्षमता है या जो सृजन क्षमता है वो प्रभावित होगी। आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जहाँ पर डांस, सिंगिंग वगैरह या कोई ड्रामा वगैरह है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये सब में आप जाना नहीं चाहेंगे। आपको शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको ऐसे ही सोच देंगे। तो ज़्यादातर आप बैठे बैठे पैसे कमाना चाहेंगे और अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, पर आप जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे या जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे वो काफ़ी रॉन्ग हो सकता है। और लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला काम करने को हमेशा उतारू रहेंगे। इसके साथ साथ आपके लव लाइफ और आपकी भावनाओं को काफ़ी उत्तेजित करने का काम करेगा ये कंजक्शन का जो दृष्टि है पांचवें भाव पर इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपने मन पर काबू रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर राहु और चंद्रमा का कंजक्शन अग्नि तत्व राशि में हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई होने के चांसेज हैं, और उस केस में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क है हमेशा धन संपत्ति को लेकर या किसी भी पर्टिकुलर अन्य कार्य को लेकर। इसके बाद राहु का दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जहां पर वैसी ही एक्सपेक्टेशन आपके अपने जीवन साथी से भी रहेगी, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में से ही चुना हो या फिर आपका जीवन साथी आपकी पसंद का हो। तो यहाँ पे जीवन साथी के साथ भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होना या बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस का होना और इमोशनली जीवन साथी के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैच होना संभव है। अब क्योंकि 11वां 7वां भाव ये दोनों ही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी सोशल इमेज या आपकी पब्लिक इमेज पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर राहु और चंद्रमा की ये युति 11वें भाव में है तो आपको कोई भी बिजनेस में सफलता अवश्य दे सकती है या बहुत ही अलग यूनिक प्रकार के किसी काम में आपको सफलता दे सकती है, जिसमें आपको जॉब नहीं करना, जिसमें आपको अपना कोई धंधा करना है, कोई पर्टिकुलर आपको बिजनेस करना है उस पर्टिकुलर काम में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर बिजनेसमैन के माइंडसेट से देखना चाहिए और इसी हिसाब से आपको विचार करना चाहिए, तब और बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर सकेंगे।